प्रदेश का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में इस बार भी नए सत्र में स्टूडेंट्स नहीं मिल पा रहे। कुलपति अनुला मौर्य के कार्यभार संभालने के बाद से ही घोषणाएं की गई थी कि च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जर्मन और पत्रकारिता के डिप्लोमा कोर्सेज शुरू होंगे। साथ ही अंबेडकर, गांधी और साथी में महिला अध्ययन केंद्र स्थापित यहां पर होंगे, लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला। मौजूदा सत्र में दाखिले की तिथियां बार बार आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन अब तक 40% सीटें भी बमुश्किल पूरी तरह भर सकी है। विश्वविद्यालय में मुख्य कोर्स संयुक्ताचार्य का है, जिसमें अभी तक 1245 सीट्स पर महज 380 दाखिले हुए हैं, जबकि दो बार आवेदन की तिथि को बढ़ाया गया है, फिर भी स्टूडेंट्स नहीं आए। इसका मुख्य कारण कैंपस में संसाधनों की कमी, खस्ताहाल हॉस्टल सुविधा, शहर से कनेक्टिविटी और शिक्षकों की भारी कमी है। यहाँ पर शिक्षकों के आधे पद खाली पड़े हैं, तो वही संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने व्यवस्थाओं को सुधारने और संस्कृत के साथ साथ अन्य विषय भी पढ़ाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन उसका भी कोई खास असर यहाँ अभी तक देखने को नहीं मिला। अब समय रहते संस्कृत यूनिवर्सिटी की ओर से ध्यान दिया जाए, तभी करोड़ों की लागत से बने इस विश्वविद्यालय का सही उपयोग हो पाएगा। एजुकेशन पॉलिसी को बात करो, व्यक्तिगत रूप से मैं भी इस चीज के उसमें रहा हूं कि जो हम एक आइसोलेशन में एक सब्जेक्ट की जो यूनिवर्सिटीज खोलने लगे हैं, है ना, मैं इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दीजिए, आईआईटी आईएम्स की बात नहीं करता, लेकिन मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, ये मेरा मान, और अभी भी मेरा तो कम से कम व्यक्तिगत राय यही है। लेकिन ये यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ स्टूडेंट्स कम आते हैं, उसका एक कई कारण है कि उतना ध्यान नहीं दिया गया। हम प्रयास कर रहे हैं कि वो प्रवेश और बढ़े, लोकप्रिय बनाया जाए इस भाषा को। इस लोकप्रिय संस्कृत का मतलब ये नहीं है कि एमए संस्कृत करने का मतलब और सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। व्हाई संस्कृत यूनिवर्सिटी कांट ओपन द न्यू सब्जेक्ट्स, न्यू डिपार्टमेंट्स? कहाँ लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल साइंस संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं पढ़ाई जा सकती? ये कहाँ लिखा हुआ है कि वहाँ आयुर्वेद नहीं पढ़ाई जा सकती? लेकिन कोई इनिशिएट नहीं लेता। न्यू वाइस चांसलर जो मैंने कहा है, वो अब आने वाले समय में आपको लैंग्वेजेस में भी वहाँ आप एमए करिए, दूसरे सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ाइए, ये तो वो कहीं ध्यान नहीं दिया गया। वो समझते संस्कृत विश्वविद्यालय का मतलब संस्कृत ही पढ़ाओ बस, यहाँ ऐसा नहीं है। आप दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाइए, आइसोलेशन में रख के कोई भी इंस्टीट्यूशन वो डेवलप नहीं हो। आज मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय के लिए विभिन्न सुविधाओं का प्रावधान किया जाए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था या छात्रों को विश्वविद्यालय तक पहुँचने तक काफ़ी समस्याएँ होती है, जैसे कि यहाँ भाकरोटा से लेके मुहाना तक कोई भी साधन की व्यवस्था नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई ट्रांसपोर्ट के रूट नंबर बस नहीं चलती है, एवं मैं छात्रों के से भी आग्रह करता हूँ कि इस विश्वविद्यालय में प्रवेश ले अधिक से अधिक। दिन ब दिन बस से बदतर होती जा रही है, ना ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधाएं हैं, ना छात्रों के और कोई लोग लुभावनी कोई योजनाएं हैं जो संस्कृत को लेकर छात्रों का रुझान संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ बढ़े, संस्कृत को पढ़ने में रुचि दिखाएं। अभी छात्रों के एडमिशन की प्रक्रिया चालू है, फिर भी सरकार की उदासीनता के कारण अभी भी छात्रों का एडमिशन के जो परसेंटेज है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है।